देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है 7 नवंबर को, उसके लिए नामांकन जो भरा जा रहा है उसमें पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी पहले चरण के चुनाव में जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं वहाँ पर जब नामांकन करने जाएंगे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री ये तमाम यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुँचने वाले और यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ से डोंगरगढ़ से जो विनोद खांडेकर है वो भी नामांकन आज दाखिल करेंगे। डोंगरगढ़ गांव से भरत परवा और खुज्जी से गीता घासी साहू है, ये 4 जो प्रत्याशी हैं आज यहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे। और उसके पहले जो मैं खड़ा हूँ वहाँ जिस जगह पर स्टेट हाई स्कूल है राजनांदगांव का, वहाँ पर एक मंच बनाया गया। इस मंच पर कुछ देर बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, लगभग 12:20 के यहाँ पर पहुँचेंगे। PTS में जो हेलीपैड बनाया गया वहाँ से उतर कर इसे सभा स्थल पर आएंगे और यहाँ पर इस सभा को संबोधित करेंगे। परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया और यहाँ पर सभा को संबोधित करने के बाद एक रोड शो होगा और रोड शो के जरिए फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो स्थानीय नेता हैं जैसे रमन सिंह उसमें खुद रहेंगे, ओम माथुर यहाँ पर आ रहे हैं जो चुनाव प्रभारी हैं और अजय जामवाल यहाँ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस नामांकन के अवसर पर यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाल कर वो कलेक्टेड जाएंगे और यहाँ वहाँ पर पूरे बाजे गाजे के साथ कार्यकर्ताओं के साथ और पूरे जोश के साथ नामांकन भरने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी यहाँ के पूरे कार्यकर्ता राजनांदगांव पहुँचने वाले हैं और पूरा शक्ति प्रदर्शन यहाँ करने वाले हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या तैयारी है, कब तक पहुँच जाएंगे अमित शाह जी यहाँ पर? अमित शाह जी अति शीघ्र यहाँ पहुँचने वाले हैं और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो राजनांदगांव विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी हैं और बाकी तीनों प्रत्याशी यहाँ पर अभी आएंगे, रोड शो के द्वारा आ रहे हैं यहाँ पर और अच्छी तैयारियां हो गई है पूरी। अमित शाह जी जो आ रहे हैं सभा के बाद वो भी जो रोड शो होगा उसमें शामिल होंगे कि यहाँ से सीधा निकल जाएं? नहीं, रोड शो के बाद उनका भी शामिल होने का प्रोग्राम है। फिर स्थानीय नेता कौन कौन से आ रहे हैं, क्या जानकारी? अमित शाह जी आ रहे हैं, अरुण साव जी आ रहे हैं, ओम माथुर जी आ रहे हैं और अजय जामवाल जी आ रहे हैं, नितिन नवीन जी आ रहे हैं और बहुत सारे वरिष्ठ नेता और सांसद सब यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो आपने सुना कि तैयारी पूरी है यहाँ पर और चूंकि स्थानीय नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उत्साह लोगों का यहाँ पर देखने को पड़ रहा है। अभी सभा स्थल में लोगों की भीड़ आनी शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। आप देख रहे हैं कि पुलिस का बल यहाँ पर पहुँच चुका है, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पब्लिक के आने के लिए अलग व्यवस्था की गई, उनके बैठने की अलग व्यवस्था की है और VIP जो आएंगे आप देख रहे हैं मेरे ठीक बाजू में, आपको गेट दिखाने की कोशिश करता हूँ, नज़ीर खान को बोलता हूँ, वो जो गेट दिख रहा है वहाँ से VIP जाएंगे, अमित शाह आएंगे और उसके बाद इस मंच पर सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद नामांकन भरने जब रमन सिंह जाएंगे तो उनके साथ पूरे कार्यकर्ता और तमाम लोग रहेंगे। लगभग 1 घंटा अमित शाह राजनांदगांव में रहेंगे और ये इस तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं में और आसपास के विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरेंगे।